स्टार्ट करता है एवरेज ड्यू डेट, ठीक है, वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक तुम्हारा सीए फाउंडेशन पार्ट का। हर एग्जाम में इस पे से एक क्वेश्चन रहता है, एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट में। नॉर्मली इंस्टीट्यूट क्या करता है, ऑप्शन डाल देता है, इधर यू डू दिस क्वेश्चन या फिर अकाउंट करंट, दोनों में से कोई एक आपको करना होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार ऑप्शन रहेगा, अलग अलग क्वेश्चन भी दे सकता है, एक एवरेज ड्यू डेट का और एक अकाउंट करेंट का, एज पर द ट्रेंड ऑफ द इंस्टीट्यूट। अभी तक इसको 5 मार्क का ही पूछता है, उससे ज्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर का जरूरत क्यों है, सच बताओ ना, ये चैप्टर प्रैक्टिकल लाइफ में आपका सॉफ्टवेयर कर देता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ही ये सारा हो जाता है, हम लोग को कुछ नहीं करना। स्टिल फिर भी हम लोग को सीखना पड़ रहा है ये लेबर वाला काम। रीजन ये है, कभी ना कभी आप आगे चल के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑडिट करेगा, आईटी ऑडिट, सॉफ्टवेयर ऑडिट। जब आप किसी सॉफ्टवेयर का या आईटी ऑडिट करता है तो क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर कैसे चलता है, टैली के अंदर में आप कोई चीज डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो सब जगह चला जाता है ना। आप जर्नल एंट्री पास करते हैं, वो लेजर में चला गया, लेजर से तुम्हारा बैलेंस शीट में इफेक्ट आ जाता है, ट्रायल बैलेंस सब कुछ बन जाता है, राइट। लेकिन उसमें जैसे प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेसिंग में कोई गलती है, जैसे होता है ना, इंजीनियर लोग क्या करता है, बग्स ढूंढता है। बग्स का मतलब कोई एरर तो नहीं रह गया कोडिंग करने के टाइम में। सिमिलरली जब आप आईटी ऑडिट करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑडिट के अंदर, जो टेक्नोलॉजी के अंदर में ये जो ऑटो कैलकुलेशन चल रहा है, ये आपको पता ही नहीं है कि किसको किससे कब मल्टीप्लाई करना चाहिए, कैसे कैलकुलेट होना चाहिए, तो आप कभी भी सॉफ्टवेयर ऑडिट नहीं कर पाएगा, आईटी ऑडिट। उसके लिए हम लोग को ये चैप्टर सीखना पड़ता है मैनुअली। आज के डेट में तो कोई बनाता ही नहीं होगा इसको, कोई भी नहीं बना, बिकॉज मैनुअली अकाउंट्स होना ही बंद हो गया है सबके बिजनेस में, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। ज्यादातर तो क्या है, सॉफ्टवेयर ही यूज हो रहा है, अलग अलग टाइप का सॉफ्टवेयर है। बड़ी बड़ी कंपनीज में जाएंगे तो एसएपीज सेप बोल के सॉफ्टवेयर है, बैंक्स में जाओगे तो ओरेकल बोल के एक सॉफ्टवेयर है, और छोटे फॉर्म्स में आप जाओगे तो आप देखोगे टैली मिल जाएगा, बीजी बोल के एक सॉफ्टवेयर है वो मिल जाएगा। तो ये थोड़े यूजर फ्रेंडली है, बट जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें एक कॉन्फिग्रेशन रहता है कि आप एक कमांड डालो, बाकी सारा कुछ सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर लेगा। अभी जो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर रहा है, कैसे कैलकुलेट कर रहा है वो जानना है। तो एवरेज ड्यू डेट, चैप्टर का नाम ही क्या है, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, कोई भी दो नंबर्स का एवरेज, सम ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय टू इज द एवरेज। ड्यू डेट, ड्यू डेट का मतलब क्या समझते हैं अपन, कोई एक ऐसा डेट जहां पे हम लोग को क्या करना चाहिए, सेटलमेंट कर देगा। जैसे हर चीज का ड्यू डेट होता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो उसका अपना ड्यू डेट है, जीएसटी रिटर्न फाइल करना है तो उसका अपना ड्यू डेट होता है, आपको ऑडिट करवाना है तो उसका ड्यू डेट है, हर चीज का ड्यू डेट है ना। जैसे आपको आपका सीए के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, किसी को नवंबर में एग्जाम देना है, तो इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, टिल 30 जून जिस जिस स्टूडेंट ने रजिस्टर्ड किया है वो एलिजिबल रहेगा नवंबर के लिए, तो 30 जून इज द ड्यू डेट ना। उस दिन तक आप कुछ करोगे, लेट्स से सपोज आपने 30 जून तक आईसीए में रजिस्ट्रेशन करवा लिया अपना फाउंडेशन एग्जाम के लिए, तो आप नवंबर के लिए एलिजिबल है। लेकिन इफ आप ड्यू डेट के बाद में रजिस्ट्रेशन करवाओगे, सर्टेन नंबर ऑफ डेज इंस्टीट्यूट फिर भी देता है, तब इंस्टीट्यूट क्या करता है पता है, आपसे फाइन लेता है। ड्यू डेट के बाद में यदि आप कोई पेमेंट कर रहा है तो आपसे पेनल्टी लिया जाता है। जैसे कि सपोज आपके बिजनेस में एक डेटर है, ठीक है, हर एक डेटर मतलब अपन गुड सेल करता है उधारी में, तो उसको अपन एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज बोलता है कि भैया इतना दिन में पेमेंट कर देना। किसी बिजनेस में 7 दिन होता है, किसी बिजनेस में 15 दिन होता है, किसी बिजनेस में 1 मंथ होता है, किसी बिजनेस में 3 मंथ्स होता है, कि इतना ड्यूरेशन में आप पे कर देना। इफ इतना ड्यूरेशन में आप पे नहीं करेगा तो क्या होगा, आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, प्रिंसिपल तो देना ही देना है, आपके ऊपर में इंटरेस्ट भी लगेगा, राइट। तो ये सब क्या है, ये भी तो एक उसी का पार्ट है। लेकिन सपोज आपने आपने किसी कस्टमर को गुड सेल किया 10 लाख रुपए का और बोला विद इन 15 डेज पे कर देना, राइट। अब यदि वो 16th डे में पे करेगा ना, तो आप उससे एक दिन का इंटरेस्ट लेगा, डिले कर दिया ना उसने। लेकिन सोचो यदि वही बंदा आपको पहले पे कर दे तो आपको क्या करना चाहिए, उसको फायदा करना चाहिए ना, रिबेट देना पड़ेगा। कोई भी बंदा आपको प्री पेमेंट क्यों करेगा, यदि सोचो आप उसको बेनिफिट ही नहीं देगा तो आपको देगा ही नहीं, वो बोलेगा ठीक है भैया 15th डे में हम आएगा, हम आपको आपका पूरा पैसा दे देगा। लेकिन कभी कभी तुम क्या बोलते हो, भैया एक काम करो यदि 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया तो हम आपको कैश डिस्काउंट भी देगा, ऐसा होता है ना प्रॉम्प्ट पेमेंट लेने के लिए, तो वो भी क्या है, इंटरेस्ट सेव हो रहा है। ये तो था सिंगल ट्रांजेक्शन।
बट एक कस्टमर के साथ एक बिजनेस के अंदर सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं होता, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होता है। कभी वो अप्रैल में आ रहा है, कभी मई में आ रहा है, कभी अगस्त में आ रहा है, अक्टूबर में आ रहा है, गुड्स लेके जा रहा है, पैसा आ रहा है, गुड्स लेके जा रहा है, पैसा आ रहा है, ऐसे ट्रांजेक्शन चलता रहता है ना। तो हम लोग क्या चाहता है, एक पर्टिकुलर डेट फाइंड आउट कर ले कि उस डेट वाले दिन यदि उससे पूरा सेटलमेंट हो गया तो ना तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना ही उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नाउ दिस इज द एवरेज ड्यू डेट, समझ आया? एक ऐसा डेट जहां पे ना तो लेंडर को ना तो पेई को, दोनों को ही नुकसान नहीं है। जो पैसा देने वाला है उसको भी नुकसान नहीं है और जो पैसा रिसीव करने वाला है उसको भी कोई लॉस नहीं है। ना तो इंटरेस्ट का लॉस होगा ना ही इंटरेस्ट का कोई गेन होगा। हाँ, इफ आप एवरेज ड्यू डेट से पहले पेमेंट रिसीव कर रहा है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सामने वाले को फायदा करवाना पड़ेगा। इफ आपको एवरेज ड्यू डेट के बाद पेमेंट रिसीव हो रहा है मतलब आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। ये हो गया जब पैसा रिसीव करना है। लेकिन इफ हम लोग को पे करना है और हम लोगों ने एवरेज ड्यू डेट में पे कर दिया, नो इश्यू। इफ हमने एवरेज ड्यू डेट के बाद में पे किया मतलब हम लोग को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। एंड इफ हम लोगों ने ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट कर दिया तो आपको क्या होता है, डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ पे भी वही कहानी है। तो नॉर्मली ये चैप्टर आपको वही सिखाएगा कि एक पर्टिकुलर ड्यू डेट निकालना है। एक कस्टमर होगा जिसके साथ बहुत सारा ट्रांजेक्शन दिया हुआ रहेगा, आपको ड्यू डेट निकालना है। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक कस्टमर को सेल करता है और उसी कस्टमर से आप परचेज भी करता है। बहुत बार होता है बिजनेस में कि हम जिसको सेल करते हैं कभी कभी उससे परचेज भी करते हैं, राइट? उस कंडीशन में वो मेरा डेटर भी है और वो मेरा क्रेडिटर भी है। तो डेटर और क्रेडिटर का एक डेट निकाल लेगा, इस दिन यदि पूरा साल भर का सेटलमेंट अपन कर लेता है तो ना तो हमें इंटरेस्ट का गेन होगा ना ही हमें इंटरेस्ट का लॉस होगा। क्लियर है? तो कम से कम इसके अंदर में हम लोग को क्या चाहिए, दो पार्टी चाहिएगा। एक वो जिसको पैसा मिलना है या फिर जिससे पैसा हम लोग को रिसीव करना है, और एक वो जो पे करेगा या रिसीव करेगा। ये दो पार्टी का ट्रांजेक्शन के लिए हम लोग को ड्यू डेट कैलकुलेट करना। द प्रॉब्लम इज दैट कि ड्यू डेट कैलकुलेट कैसे करें। ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए आपको हमेशा एक बेस डेट अज्यूम करना पड़ेगा। अब ये बेस डेट क्या होता है, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, आपको जो डेट अज्यूम करना है कर लेना। चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ, चाहे मम्मी पापा का डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरी डेट, बॉयफ्रेंड का डेट, गर्लफ्रेंड का डेट, पहला दिन जब सीए रजिस्टर्ड किया उस दिन का, जो मर्जी वो डेट आप अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन फॉर अ स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू या फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपको हमेशा कौन सा डेट अज्यूम करना है, जिस दिन पहला ट्रांजेक्शन होगा उसी डेट को आप हमेशा बेस डेट लेना। वरना क्या होगा, खुद ही फंस जाएगा, कैलकुलेशन करते करते थक जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? तो एवरेज ड्यू डेट एकदम छोटू सा चैप्टर है, बस हम लोग एक ड्यू डेट निकालेगा एंड वही आंसर हो जाएगा। हाँ, हो सकता है कभी कभी इंस्टीट्यूट आपसे एक स्टेप फर्दर पूछेगा कि लेट से सपोज आपका ड्यू डेट है 15th of April एंड आप पेमेंट कर रहा है 10 दिन बाद में, तो आपको कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो कैलकुलेट करना पड़ सकता है। या फिर क्वेश्चन उल्टा भी बोल देगा कि आप एक्स अमाउंट का इंटरेस्ट सेव करना चाहता है तो कितना दिन पहले आपको पेमेंट कर देना चाहिए, वो सारा कैलकुलेशन इस चैप्टर में आपको मिलेगा। क्लियर है? तो देखो, चार ही कैटेगरी का क्वेश्चन है। एक जहां पे नॉर्मल हम लोग को ड्यू डेट निकालना है जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी इन्वॉल्व होगा। एक ही पार्टी इन्वॉल्व मतलब या तो हमने सेल किया है या फिर हमने परचेज किया है, बस उसका निकाल देगा। और एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन होगा जिसको मैंने सेल किया उससे अपन परचेज भी कर रहे हैं, जहां पे दो पार्टी हो गया, बिटवीन टू पार्टीज आर इन्वॉल्व, इंटर ट्रांजेक्शन अपन कर रहा है, तो एक कैटेगरी वो क्वेश्चन मिलेगा। एक होगा जहां पे आप इंस्टॉलमेंट, ये ज्यादातर, ये कंसेप्ट ज्यादातर कहाँ यूज होता है, बैंक्स में यूज होता है। आप कोई भी लोन लेता है या कोई भी एसेट आपने फाइनेंस करवाया, चाहे घर खरीद लिया, चाहे मोबाइल खरीद लिया, कुछ भी खरीदा है आपने, बैंक से लोन लेके खरीदा है, तो आपको इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है ना। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट में कुछ पार्ट प्रिंसिपल होता है और कुछ पार्ट इंटरेस्ट होता है। तो जिस दिन आप लोन लेते हो ना, बैंक उसी दिन आपको एक रीपेमेंट शेड्यूल दे देता है कि पहला साल में कितना देना है, दूसरा में कितना, तीसरा में कितना, चौथा में कितना, ऐसे पूरा एक रीपेमेंट शेड्यूल दे देता है। उस रीपेमेंट शेड्यूल में कितना प्रिंसिपल है और कितना इंटरेस्ट है सब लिखा हुआ रहता है। तो आप लोग कैलकुलेट
कैलकुलेट करता है कि बैंक यार ये डेली डेली हर साल हम आएगा या हर 6 महीना में आके तुमको पेमेंट करे जरूरी है क्या? क्या हम लोग को एक ऐसा डेट निकाल सकता है क्या जिस दिन हम सारा का सारा आके पेमेंट कर दे? इससे ना तो मुझे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का लॉस होगा, ना ही आपको कोई लॉस होगा। तो वहां पे ही ज्यादा काम आता है, बैंकिंग लोन फाइनेंस जहां से आप कराते हो वहां एवरेज ड्यू डेट कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज होता है। क्लियर है? या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनरशिप के अंदर में आपने एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था। जब पार्टनर फर्म से ड्रॉइंग करता है, ड्रॉइंग तो अलग अलग डेट में होता है, मालिक का मर्जी। आज उसको जरूरत है तो आज फर्म से पैसा ले जाएगा, 15 दिन बाद ले जाएगा, 1 महीना बाद, 6 महीना बाद, अलग अलग डेट पे वो ड्रॉइंग करता है। अब इंटरेस्ट का सेटलमेंट कब होता है? एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना। अब हर एक अलग डेट का ड्रॉइंग पे अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, राइट? तो यहां पे ये कंसेप्ट काम आएगा। हम लोग क्या करेंगे, ड्यू डेट निकाल देगा और अज्यूम करेगा कि सारा का सारा ड्रॉइंग इसी डेट पे हुआ है, सो दैट इट बिकम्स क्वाइट इजी टू कैलकुलेट अवर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है? तो मोटा मोटी 4 ही क्वेश्चन रहेगा, एक नॉर्मल कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जहां पे इधर वी आर सेलिंग द गुड्स और वी आर बाइंग द गुड्स। ठीक है? इसके अंदर मेरा ऐसा भी हो सकता है कि बिल्स रिसीवेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट आएगा। थोड़ा सा आगे जाने से पहले मैं तुम लोगों को बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझा दूं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता था, क्लास 11 में जब आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था वो क्या था? हाँ राइट, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता था कि सपोज एक एक्स है और एक वाई है, एक्स ने वाई को गुड सेल किया, राइट? तो एक्स को पैसा मिलना है, लेट्स से सपोज 10,000 का सेल किया। अब एक्स को पैसा मिलना है वाई से, बट वाई बोलता है अभी पैसा नहीं है मेरे पास। तो एक्स बोलता है ये क्या बात हुआ, गुड्स ले लिया पैसा दो? बोलता है नहीं नहीं हम कम से कम 3 महीना में ही दे पाएगा आपको। गुड्स लेके जाएगा, बिजनेस में सेल आउट करेगा एंड फिर पैसा चुका देगा। एक्स बोलता है क्या भरोसा तुम पैसा देगा या नहीं देगा, राइट? भरोसा भी तो होना पड़ेगा ना, तो भरोसा तो है नहीं। एक्स बोलता है ना ना ऐसे तो हम कैसे माने। तो वाई बोलता है टेंशन क्यों लेते हैं, आप एक काम करो, आप खुद एक डॉक्यूमेंट बनाओ, एक डॉक्यूमेंट बनाओ जिसमें लिख दो कि मैं वाई आपको 3 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा। आप ऐसा एक डॉक्यूमेंट बनाओ, लीगल डॉक्यूमेंट होगा ये, बिकॉज एक बार आपने किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, साइन करवा लिया, फिर तो वो लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। कल को मैं आपको 3 महीने के बाद पैसा नहीं दिया तो आप कोर्ट केस कर देना, एंड आपके पास ये प्रूफ रहेगा कि मैंने साइन करके दिया था। यहाँ पे वाई क्या करेगा, अपना साइन करके दे देगा, ओके आई एक्सेप्ट। तो पहले तो एक्स क्या करेगा, ये डॉक्यूमेंट बनाएगा, इस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं अपन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये डॉक्यूमेंट हो गया मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये डॉक्यूमेंट बना के ये इसको देगा, बोले साइन करके दो, हमको भरोसा नहीं है तुम पे कि तुम पैसा देगा या नहीं देगा, एक काम करो आज साइन करके दे दो। जैसे आज की डेट में, अब तो प्रेजेंटली ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंसेप्ट चलता नहीं है, अब तो चेक होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर से पोस्ट डेटेड चेक ले लेता है। दुकान में कस्टमर आया, बिजनेस में कस्टमर आया, हम लोग उसको बोलते हैं कि अच्छा भैया कब देगा पेमेंट, 1 महीना बाद ना। एक काम करो आप अपना चेक दे दो, उसमें 1 महीना बाद का डेट डाल दो, हम वो चेक 1 महीना बाद अपने बैंक में डिपॉजिट कर देगा। अब यदि उसने डिफॉल्ट किया, चेक बाउंस हो गया, तो पहला तो बात है मेरे बैंक अकाउंट से चार्जेस कटेगा, चेक बाउंस होता है तब। लेकिन 3 बार यदि चेक बाउंस करवा लिया तो उसके बाद उसको जेल भी हो सकता है, आप कोर्ट केस कर सकते हैं। तो चेक इज ऑल्सो ए लीगल डॉक्यूमेंट, एक तरह से बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है और कुछ भी नहीं है, पोस्ट डेटेड चेक। जैसे कि तुम में से कोई बोलता है कि नहीं भैया हम ट्यूशन फीस दे देगा 3 महीना बाद, मतलब एक काम करो चेक दे दो 3 महीना बाद का डेट का, हम 3 महीना बाद ही उसको हमारे बैंक अकाउंट में डालेगा, 3 महीना तक कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 3 महीना बाद हम वो चेक डाला, ठीक है, और मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा ही नहीं था, तो तुमने तो डिफॉल्ट कर दिया, उसमें मेरा बैंक मेरे से चार्जेस लेगा। क्यों चार्जेस लेगा, रीजन ये है कि एक बार जब चेक बाउंस होता है तो बैंक का एक प्रोसेसिंग का तो टाइम चला गया ना, बैंक पहले ड्रॉप बॉक्स से निकाल रहा है, फिर उनके एम्प्लॉयज उसको साइनिंग कर रहे हैं, देन अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, फिर पता चला ओ जिसका अकाउंट से पैसा काटना था उसके अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है, तो मेहनत बेकार गया बैंक का एम्प्लॉयज का। फिर ये जो बाउंस हुआ हुआ चेक है, स्पीड पोस्ट से
मेरे एड्रेस पे आएगा तो वो भी खर्चा लगाना, तो बैंक मुझसे चार्जेस ले लेगा डिसऑनर होने का। तो ये चार्जेस अपन क्या करेगा, वाई से रिकवर करेगा जिसने मुझे चेक दिया था। तो ऐसे करते करते 3 बार ऐसा किया तो लीगल केस अपन कर सकते हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लीगल डॉक्यूमेंट बन गया। अब मैं इसे साइन करवा के ले लूंगा तो मैं मन में खुश हूं, टेंशन फ्री। अब मेरे को वाई से मतलब ही नहीं, मेरे को तो किससे मतलब है, इस डॉक्यूमेंट से मतलब है जिसके बदले में मेरे पास पैसा आएगा। इसने साइन करके दिया, ये यहाँ पे साइन करके मेरे को दे देगा, लौटा देगा वापस, तो मेरे लिए हो जाता है ये बिल्स रिसीवेबल। क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि इसके बदले में अब मेरे को पैसा मिलेगा ना। अब मुझे इससे लेना देना ही नहीं है, मेरे को तो इससे कुछ मिल गया ना, चाहे बिल मिलो चाहे चेक मिलो कुछ भी मिलो, अब मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे तो पैसा आएगा इस डॉक्यूमेंट से, ठीक है। तो मेरे लिए हो गया बिल्स रिसीवेबल और इसके लिए हो जाता है बिल्स पेबल, ठीक है। अब सपोज डेट है 1st of April X3, ठीक है। आज मैंने साइन करवा के लिया, ये बोला हम 3 महीने बाद पेमेंट करेगा, राइट। 3 महीने बाद बोले तो कौन सी डेट पे ये पेमेंट करेगा, यस। अभी नॉर्मली ऐसे दिमाग में आ रहा है कि 1st जुलाई, ये होता है नॉर्मल सिनेरियो, बट बिल्स के केस में आप लोग 3 दिन का ग्रेस डेज भी देते हैं। जैसे कि आपके बोर्ड्स एग्जाम में होता है कि गलती से आपको इस पासिंग मार्क 40 है और आपको 35-36 आ रहा है, तो सारा बोर्ड्स का एक गाइडलाइंस होता है कि आप 3 से 4 मार्क ग्रेस दे देना ताकि वो बच्चा पास हो जाए। सिमिलरली यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कंसेप्ट में क्या होता है कि जब भी आप ड्यू डेट कैलकुलेट करेगा, दिस इज नॉट माई ड्यू डेट, ठीक है। ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए इस डेट में तुम लोग को 3 डेज एड करना पड़ेगा। 3 डेज एड करने के बाद जो डेट आएगा दैट इज यहाँ पे 4th जुलाई, द 4th जुलाई इज द ड्यू डेट। इस दिन वाई को पेमेंट करना ही पड़ेगा। किसको पेमेंट करेगा वाई, जो पर्सन ये डॉक्यूमेंट लेके जाएगा उसके पास। अब वाई के लिए एक्स क्रेडिटर नहीं है, वाई बोलता है मेरे लिए तो लाइबिलिटी क्या है, ये बिल है क्योंकि मैंने इस पे साइन किया है, राइट। और एक्स के लिए वाई डेटर नहीं है, एक्स के लिए एसेट क्या हो गया, बिल्स। इसीलिए एक्स क्या करता है, वाई का अकाउंट क्लोज कर देगा अपने बुक्स में और एसेट बना लेगा बिल्स रिसीवेबल को, और वाई अपने बुक्स में एक्स का अकाउंट क्लोज कर लेगा और लाइबिलिटी बना लेगा बिल्स पेबल को। आया समझ में? तो बिल्स के केस में हमेशा ड्यू डेट कैसे निकालोगे आप, 3 डेज ग्रेस एड करके, क्लियर है। अब इस 3 डेज में भी कहानी है, क्या कहानी है कि 3 डेज ग्रेस पीरियड एड करने के बाद जो डेट आया आपका, उस दिन यदि आपका इमरजेंसी हॉलिडे है, इमरजेंसी हॉलिडे का मतलब क्या होता है, स्ट्राइक है, संडे है, संडे नहीं स्ट्राइक है, चक्का जाम है, ठीक है, लॉकआउट हो गया, जैसे कोविड वाला छुट्टी आ गया था, वो सब क्या इमरजेंसी हॉलिडे होता है। अचानक से कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन का डेथ हो गया तो नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर, मतलब उन्होंने इमरजेंसी हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया। दंगा हो गया कहीं पे तो वहां का पूरा एरिया लॉकडाउन हो जाएगा ना, तो उसको बोलता है इमरजेंसी हॉलिडे। इफ ड्यू डेट जो आपने 3 डेज एड करने के बाद कैलकुलेट किया बिकम्स टू बी इमरजेंसी हॉलिडे, मतलब इमरजेंसी हॉलिडे किसी को पता होता है क्या, सपने में आता है क्या, वो तो अचानक से हो जाता है, राइट। तब उस कंडीशन में आप क्या करेगा, पेमेंट कब करेगा, 1 दिन बाद में पेमेंट करेगा, बिकॉज हम तो यही सोच के रखा था कि 4 तारीख को पेमेंट कर देगा। अब 4 तारीख को अचानक से बैंक का स्ट्राइक आ गया, दंगा हो गया, तो हम पेमेंट कहां से करेगा, नहीं कर सकता ना, तो फिर हम कब पेमेंट करेगा, 5 तारीख, समझ में आया, 1 दिन आगे चला जाएगा। लेकिन इफ ड्यू डेट वाला दिन नेशनल हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे बोले तो सरकारी छुट्टी, और सरकारी छुट्टी जब साल स्टार्ट होता है, कैलेंडर ईयर जब फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होता है, उसी दिन पता होता है कि इस पूरे साल भर में कितना सरकारी हॉलीडेज है। जैसे कि एकेडमिक्स जब स्टार्ट होता है, आपका स्कूल जब स्टार्ट होता है, पूरा साल भर में कौन सा दिन फिक्स है छुट्टी का, वो सबको पता रहता है ना। सिमिलरली नेशनल हॉलीडे पता रहता है लोगों को, जैसे 2 अक्टूबर हो गया, गांधी जी जब क्या हुए थे, पैदा हुए थे, ठीक है, बोल दे गांधी जी जब मरे थे
2 अक्टूबर गांधी जी जब पैदा हुए थे, 15 अगस्त अपना छुट्टी रहता है, 26 जनवरी, 26 जनवरी ये भी छुट्टी रहता है, तो दीज आर द नेशनल हॉलीडेज। आई बात समझ में? जब भी नेशनल हॉलीडे है ये बताने का जरूरत नहीं है, इफ आप इंडियन सिटीजन हो तो पता ही है कि इस दिन छुट्टी होता है, तो जब पहले से पता था इस दिन छुट्टी है तो आपको पेमेंट कब करना चाहिए? एक दिन पहले, राइट? तो यही कंसेप्ट है कि जब भी आप ड्यू डेट कैलकुलेट करेगा और ड्यू डेट वाले दिन एमरजेंसी हॉलीडे हो गया तो कब पेमेंट करना चाहिए? एक दिन बाद में, और इफ देर इज अ नेशनल हॉलीडे तो हम लोग क्या करेगा, एक दिन पहले। क्लियर है ये चीज? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ये आइडिया क्लियर रहेगा कि ड्यू डेट जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो क्या करना है, 3 डेज ग्रेस पीरियड ऐड करोगे। क्लियर है? ऐड करने के बाद इफ इट इज एन एमरजेंसी हॉलीडे तो क्या होगा, एक दिन आगे, और इफ इट इज अ नेशनल हॉलीडे तो एक दिन पीछे। क्लियर है ये चीज? तो ये दिमाग में अपने को रखना है बिल्स के केस में। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए भी हम लोग एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट कर सकता है, उसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन रहेगा। इमरजेंसी हॉलीडे होने से तो आपका एक दिन पहले होगा ना, मतलब एक दिन बाद बाद में में, होगा। बाद में, अरे तुमको सपना में आ गया था, तुम तो फिर वो है भुवन बम वाला एक सीरीज आया था ना अभी बीच में, ताजा खबर, कि उसको कुछ मिनट, घंटा 2 घंटा पहले ही पता चल जाता कि क्या होने वाला है। तुम्हारे पास वो वरदान है तो बात अलग है, अदरवाइज हमेशा बाद में। तो पहले लिखना कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर में, अपने को कौन सा कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन मिलने वाला है। एन एग्जाम में एक चीज ध्यान रखना कि जब आप कभी फर्स्ट जाओ ऑलवेज गो फॉर द छोटा मार्क्स का क्वेश्चन, वो आपको बचा लेगा। बड़ा मार्क का क्वेश्चन बचाएगा तो नहीं, टाइम कंज्यूम होगा, कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा। तो छोटे चैप्टर्स को तो हमेशा इंपॉर्टेंस देना है। दीज आर द क्रूशियल चैप्टर्स ऑफ योर सिलेबस जो आपको इजिली 5, 10, 15 मार्क्स देके जाते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन नॉर्मली 5 मार्क का आता है और 10 मार्क का आ जाए तो अच्छी बात है, वो आराम से आप बटोर सकते हो मार्क्स। एवरेज ड्यू डेट 5 मार्क, अकाउंट करंट 5 मार्क, तो ये सब फ्री के मार्क्स है जो अपने को बटोरने हैं। तो 4 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन है, एक में एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करेगा जहां पे एक ही पार्टी इन्वॉल्व्ड है, एक में वहां जहां पे इंटर ट्रांजेक्शन हो रहा है बिटवीन 2 पार्टीज। और एक जब अपन को इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है तो वो डेट क्या होना चाहिए कि हम लोग सारा का सारा पैसा चुका दे तो ना तो इंटरेस्ट का लॉस होगा ना ही इंटरेस्ट का गेन होगा। और एक कब, जब अपने को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है। आईओडी का मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्लियर है ये चीज? अब देखो जो मेजर मेजर पॉइंट आपको ध्यान में रखना है इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम, लिख लिया क्या क्या क्वेश्चंस कवर करेंगे अपन। पहला पॉइंट कि हमेशा ध्यान रखना एवरेज ड्यू डेट क्या होता है, एक वो डेट जिस दिन हम लोग पूरा का पूरा पेमेंट एक साथ में कर देगा तो यहाँ पे किसी को भी लॉस नहीं है, ना तो वो पार्टी जिसको पैसा मिल रहा है ना वो पार्टी जो पेमेंट कर रहा है, इसको हम लोग एवरेज ड्यू डेट बोलता है। इट इज द मीन डेट। मीन याद है, स्टेटिस्टिक्स पढ़ा होगा तुम लोग, मीन मोड मीडियम। मीन क्या होता है, एवरेज ऑफ अ नंबर, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे नो लॉस नो प्रॉफिट, एक तरह से इसको कॉस्टिंग टर्म में मैं बोलूं तो ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस, बट वो थोड़ा सा अलग ही कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। बट वी कैन से इट इज द मेन डेट, यानी पूरे साल भर जो जो ट्रांजेक्शन किया उसके बीच का एक ऐसा दिन जिस दिन
आप अपना सारा का सारा, इट इज द मेन डेट ऑन विच अ सिंगल पे टोटल पेमेंट मे बी मेड इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑन डिफरेंट डेट्स। अलग अलग दिन में पैसा देने से अच्छा उस पर्टिकुलर डेट पे आप सारा पैसा चुका दो, देन इट विल हैव लॉस विदाउट एनी लॉस टू ईदर पार्टी। ईदर पार्टी का मतलब जो पैसा रिसीव कर रहा है या जो पे कर रहा है, किसी को भी नुकसान नहीं है, सबके लिए विन विन सिचुएशन है। क्लियर है ये चीज? उसको अपन बोलता है एवरेज ड्यू डेट। अब एवरेज ड्यू डेट निकालेगा कैसे, बस ये लिख के रखना कि बेस डेट, बेस डेट का मतलब होता है आपको एक डेट अज्यूम करना होता है, ये लिख के रखना विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अभी इसको अपन समझ लेगा क्योंकि पहले क्या क्या टर्म्स होने वाला है यदि वो अपन ने अच्छे से लिख के रख लिया तो चैप्टर पूरा इजी हो जाएगा। पहले एवरेज ड्यू डेट का मीनिंग लिख लिया, इट इज द मेन डेट ऑन विच अ सिंगल टोटल पेमेंट मे बी मेड इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑन डिफरेंट डेट्स विदाउट एनी लॉस टू ईदर पार्टी। बेस डेट हम लोग हमेशा अज्यूम करेगा, ठीक है, हमेशा अज्यूम करेगा। इफ क्वेश्चन खुद ही बोल दिया कि आपको ये वाला बेस डेट लेना है, बेस डेट मतलब बेस, वो डेट जहां से आपको आगे बढ़ना है या फिर पीछे आना है, वो क्वेश्चन खुद बोल दिया ना, फिर आप वहां दिमाग मत लगाना कि भैया तो लिखा था कि बेस डेट अज्यूम करना है, नहीं, फिर क्वेश्चन बोल दिया तो क्वेश्चन अपने लिए भगवान है, उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। क्लियर है? अभी प्रोडक्ट वगैरह कैसे निकालते हैं अभी विद द क्वेश्चन सब समझ जाएगा अपन कि प्रोडक्ट होता है अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज, ये सब क्या है, अभी सारा एक क्वेश्चन में एकदम पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप बेस डेट क्या लेगा। पहले तो मैंने क्या बोला कि कोई भी डेट ले लेना जो आपको पसंद है, आपका बर्थ डेट ले लो, एनिवर्सरी डेट ले लो, जो डेट लेना है ले लो, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा मत करना। आप कौन सा डेट लोगे? अर्लीएस्ट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन, जितना क्वेश्चन आपको ट्रांजेक्शन देगा उसका जो सबसे पहले वाला डेट होगा ना वो लेना, या फिर जो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में हम लोग ड्यू डेट निकालना पड़ता है तो जो अर्लीएस्ट ऑफ द ड्यू डेट होगा उसको हमेशा बेस डेट मानना, सो दैट आपको नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम नहीं हो, वरना है ना चकरिया घूम जाएगा ऐसे, सर घूमेगा कि कहां प्लस करना है और कहां माइनस करना है, तो वो ध्यान रखना। सर थोड़ा ऊपर कीजिए, कौन सा वाला, ठीक है। अब नंबर ऑफ डेज कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ डेज का मतलब हो गया बेस डेट से लेके ड्यू डेट तक जितना दिन होता है उसको अपन नंबर ऑफ डेज बोलेगा। सपोज बेस डेट ले लिया 15 अप्रैल और ड्यू डेट आ रहा है तुम्हारा 30th अप्रैल, तो 15th अप्रैल से लेके 30th अप्रैल के बीच में जितना दिन है उसको काउंट करेगा। लेकिन लेकिन ऑलवेज रिमेम्बर व्हाइल कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज इग्नोर द फर्स्ट डेट एंड इंक्लूड द लास्ट डेट। इसका मतलब जैसे कि मैंने बोला कि आपका बेस डेट है 15 अप्रैल, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बेस डेट है आपका 15 मार्च और ड्यू डेट है 18th of May, तो इस दोनों के बीच का नंबर ऑफ डेज कितना होगा? बेस नहीं, 15 और 18 नहीं, एक्सक्लूड द फर्स्ट डेट इंक्लूड द लास्ट डेट। अब फर्स्ट डेट कौन सा? 15, इसको काउंट मत करना बट 18 को काउंट करना, तब जाके करेक्ट नंबर ऑफ डेज आएगा। उल्टा भी कर सकते हैं,
इंक्लूड द फर्स्ट डेट, एक्सक्लूड द लास्ट डेट, बात एक ही है, समझ में आया? कैसे निकालेंगे? वाइल कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज इग्नोर द फर्स्ट डेट, बोले तो यहां पे 15 मार्च, इसको इग्नोर कर देना, इंक्लूड द लास्ट डेट यानी 18 को कंसिडर करना है। और एक मिस्टेक जो आप करोगे एग्जाम में, पहले तो ये चेक कर लेना कि कौन से महीने में कितना दिन होता है घर से पढ़ के जाना। जिसको नहीं आता वो ऐसे करना, क्या करना, जनवरी में 31, फिर फेब में 30 या 31, नहीं होता, फेब डिपेंड करता है लीप ईयर पे। यस, इट विल बी इधर 28 डेज और 29 डेज, ठीक है? इफ लीप ईयर है देन इट विल बी 29 डेज, और लीप ईयर नहीं है तो वो 28 डेज का फेब होता है। अब लीप ईयर कैसे निकालते हैं? इफ वो पर्टिकुलर ईयर डिवाइडेड बाय 4 हो सकता है कंप्लीटली, देन इट विल बी अ लीप ईयर, अदरवाइज नॉट। जैसे वी आर इन द ईयर 2023, दिस इज नॉट ए लीप ईयर। कैलेंडर खोल के देख लो, उसके अंदर फेब सिर्फ 28 दिन का ही है, ठीक है? और नहीं हो तो कैलेंडर ले जाना साथ में। हाँ, समझ में आया? लीप ईयर चेक करना होगा, और जब किसी को दिक्कत होगा, जैन फेब मार्च अप्रैल में ऊपर वाला है तो 31 और नीचे वाला है तो 30 डेज, ठीक है? ऐसे ही बचपन में सीखा था, तो वही करना है। इस पूरे चैप्टर में ये कैलेंडर का ही काम है, अपने को इजिएस्ट ऑफ द चैप्टर है। अब देखो, बेस डेट 15 मार्च को पकड़ा है आप, और ड्यू डेट है 18 मई, बताओ नंबर ऑफ डेज कैसे निकलेगा? 15 को काउंट करना है क्या, 15 मार्च को काउंट करना है? नहीं, तो मार्च में कितना दिन होता है? 31, 31 में से 15 गया, बचा 16 दिन मार्च का। अप्रैल में कितना दिन होता है? 30 डेज, तो पूरा अप्रैल काउंट करना है, प्लस 30, मई में 18 डेज प्लस 18, तो आपका नंबर ऑफ डेज कितना हो गया? 64। सीधा कैलकुलेटर है, खाली लेबर वाला काम है इस चैप्टर में, और कुछ भी नहीं, इतना इजी है। 15 से 31 15 दिन होता है, 15 से 31 15 दिन नहीं होता है, 16 दिन होता है। तो 15 को इंक्लूड करेगा ही नहीं। हाँ, तो इंक्लूड कहाँ किया, नहीं किया, 15 दिन 16 दिन होता है। ठीक है, ये सिली, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं कि तुम पहला मिस्टेक किया है। ऑलमोस्ट सबको एग्जाम में ऐसा सिली मिस्टेक करके आता है, और फिर सोचता है कि हम लोग का ये 5 मार्क तो आ ही जाएगा, और यहाँ पे कोई स्टेप मार्किंग नहीं है। इस टाइप का चैप्टर में कोई स्टेप मार्किंग नहीं मिलता, इधर यू गेट द फुल मार्क और यू गेट नथिंग, बिकॉज वो डायरेक्ट आंसर देखता है, वो आगे ऊपर तो इतना देखता ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे 5 मार्क का क्वेश्चन जितना भी इंस्टीट्यूट पूछता है ना, वहां स्टेप मार्किंग नहीं होता है। यही मान के चलना, आपने मिस्टेक किया है तो आपको उधर 0 ही मिल रहा है। इफ यू आर लकी एनफ, चेकर जो है वो दिल खोल चेकर है, वो आपको मार्क्स दे रहा है तो बात अलग है, वरना नहीं मिलता है। एकदम नीचे में रहूंगा तो मैं तो यही हमेशा एज्यूम करने बोलता हूँ कि 5 मार्क का क्वेश्चन या तो पूरा करेक्ट करके आओ, ये एजम्पशन में मत निकलो पेपर हॉल से कि मेरे को इसमें स्टेप मार्किंग मिल जाएगा। समझ गया, मिलता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मिल सकता है, बट आपको जब एग्जाम हॉल से निकलो या एग्जाम हॉल में बैठो ना, तो एक एजम्पशन लेके बैठो कि मेरा जो ये छोटा मार्क का क्वेश्चन है ना, उसमें मेरे को पूरा करेक्ट करना है, स्टेप मार्किंग के पीछे नहीं भागना है। स्टेप मार्किंग मिलता है जहां क्वेश्चन 10 मार्क का 15 मार्क का, वहां अपन को नहीं भी आए तो कुछ भी करके आओ, कुछ ना कुछ स्टेप मार्किंग मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप यही अज्यूम करना कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए इतना अच्छे से सीखना कि सिली मिस्टेक करना ही नहीं। क्लियर है, समझ में आया? तो आपको ये पता चल गया कि नंबर ऑफ डेज कैसे निकालना है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ द ड्यू डेट इज अ फ्रैक्शन, जैसे कि सपोज आपका यहाँ पे ड्यू डेट आता 64.1 या 64.2, तो आप क्या करते हैं? अब यहां पे दो चीज है, इंस्टीट्यूट कभी कभी तो उसको एग्जैक्ट राउंडिंग ऑफ कर देता है। मेरे हिसाब से 64.1 का मतलब क्या होता है कि 64वां दिन तो गया, अगले दिन का 1 घंटा, 64.1 डे का मतलब तो यही हुआ, और या फिर 64.0 समथिंग भी है, मतलब हम अगले दिन में तो आ ही चुका है ना, इसका मतलब हमेशा राउंडिंग ऑफ कर देना उसको, अपर राउंडिंग कर, 17 लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रैकेट में अप्रोक्स वर्ड यूज करके आना, अप्रोक्स वर्ड यूज करके आना। इंस्टीट्यूट दो जगह अलग उल्टा पुल्टा करता है,
कभी कभी तो खुद 0.5 से नीचे जब होता है ना तब उसको लोअर राउंडिंग कर रहा है, और 0.5 से ऊपर होता है तो अपर राउंडिंग करता है। ये तो नॉर्मल है, कभी कभी खुद 0.5 से नीचे और उसको अपर राउंडिंग करके छोड़ देता है। तो आप एक ही चीज सीख लो कि मेरे को यदि ड्यू डेट नंबर ऑफ डेज यदि मेरा डेसिमल्स में आ रहा है ड्यू डेट, तो हम लोग हमेशा क्या करेगा, अपर राउंडिंग, बिकॉज डेसिमल का मतलब ही है कि हम लोग नेक्स्ट डे जा चुका है, रात को 12:01 हुआ, मतलब हम लोग कौन सा दिन काउंट करता है, अगला दिन ही काउंट करता है ना। तो ये प्रैक्टिकल है, तो आप लॉजिकली क्या करना, जब भी डेसिमल्स में ड्यू डेट निकले आपका तो उसका नेक्स्ट राउंडिंग करना, अपर राउंडिंग करना, क्लियर है। एंड ब्रैकेट में अप्रोक्स वर्ड लिख के आना कि आपने अप्रोक्सीमेशन किया है। और क्या करते हैं, एग्जाम में दो गलती होता है। पहला गलती, सपोज मेरा ड्यू डेट आ रहा है फ्रैक्शंस के अंदर में, तो हमेशा फ्रैक्शंस दिखाना। जैसे ड्यू डेट निकालने के लिए मैंने बोला कि अपन क्या करता है, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ द अमाउंट। तो ये आया समथिंग सपोज 33.3, हम लोग ये दिखाता नहीं, हम लोग क्या करता है डायरेक्ट इसको 34 लिख देता है, और ये गलत है। आप पहले उसको दिखाओ चेकर को कि मेरा आंसर 33.3 आया है, दैट इज 34 अप्रोक्स, तब वो आपका क्लैरिटी रहेगा। अच्छा, उसको समझ में आ जाएगा, नहीं स्टूडेंट का डेसिमल्स में आ रहा था और उसने उसको राउंडिंग किया है, लेकिन अब बिना उसको दिखाए डायरेक्ट अप्रोक्स मार दिया, फिर तो गलत है। गलत कुछ नहीं है, फिर वो उसके मूड के ऊपर है। कुछ चेकर दो तरह का होता है, एक चेकर होता है अच्छा इवेल्युएट करता है, वो आपकी कॉपी को देखता है, आपके नॉलेज को देखता है, और एक चेकर होगा हड़बड़ी में, अब थक गया वो कॉपी चेक करते करते सीधा नजर आंसर पे, आंसर का डेसिमल भी इधर उधर उसको मिल जाता है ना, वो काट देता है। और ऐसा हुआ हुआ है हमारी चेकिंग में, आईसीए का चेकिंग में ऐसा हुआ हुआ है, डेसिमल्स के चक्कर में मार्क्स नहीं दिया और स्टूडेंट फेल हो गए, ऐसी कॉपी वायरल भी हुई सोशल मीडिया के अंदर। तो यही बोला गया कि अब हम लोग को ज्योतिष विद्या भी सीखना पड़ेगा कि चेकर क्या पता कब डेसिमल्स को कंसिडर करता है, कब नहीं, कब उसका मूड खराब है, ठीक है। तो अपन क्या करेगा वो सब सिनेरियो से बचने के लिए ऑलवेज पहले डेसिमल वाला पार्ट दिखाएगा, एंड देन उसको दैट इज इतना अप्रोक्स इस तरीके से लिख के आएगा। क्लियर है ये चीज? तो मेरा 5th नंबर पॉइंट क्लियर है कि ड्यू डेट फ्रैक्शन में आएगा तो हम लोग हमेशा उसको क्या करने वाला है, राउंड ऑफ करने वाला, और अपर राउंडिंग में ही जाएगा। इफ द अमाउंट इज पेड बिफोर द एवरेज ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट से पहले ही अपन पेमेंट कर देगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, फायदा होगा, रिबेट करना पड़ेगा, या तो रिबेट मिलेगा या फिर रिबेट देना पड़ेगा सामने वाले को। लेकिन यदि हमने एवरेज ड्यू डेट के बाद में पेमेंट किया तो इंटरेस्ट चार्ज होगा, या तो हम लोग एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करेगा या फिर हम लोग एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रिसीव करेगा। क्लियर है? पॉइंट नंबर 5, 6, 7 तक कोई भी डाउट है तो पूछ लेना मेरे से। पॉइंट नंबर 8 में क्या लिखा अपन ने कि सेकंड सिनेरियो था ना, जब इंटर ट्रांजेक्शन होता है, हम सेल भी कर रहे हैं और हम परचेज भी कर रहे हैं उससे, तो उस कंडीशन में आप एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालोगे पता है, आप डिफरेंस कंसिडर करोगे, दोनों का जो नेट वैल्यू आएगा अपन उसका डिफरेंस। कोई दिक्कत नहीं है यदि आपको पॉइंट नंबर 8 एंड पॉइंट नंबर 2 नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो विद द क्वेश्चन ही आपको समझ में आएगा।
फॉर द नोट्स पर्पस आप इसको लिख के रखोगे। नहीं, कभी कभी हम लोग बेस डेट ऐसा अज्यूम कर लेते हैं तो वहां से रिवर्स भी आना पड़ सकता है, तो इसीलिए प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो अपन क्या करते हैं, अर्लीस्ट ट्रांजेक्शन पकड़ता है तब हमेशा प्लस होता है, लेकिन कोई खुरापाती दिमाग हुआ कि नहीं भैया हम करके देखेगा, आप बोला ना कि कोई भी डेट से आंसर सेम आता है, हीरोगिरी में कोई ऐसा डेट पकड़ लिया जिसमें उसको माइनस भी करना पड़ सकता है, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो अपन का हमेशा प्लस ही रहेगा। ठीक है, कभी भी नहीं, एवरेज ड्यू डेट में हमेशा अर्लीस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, और बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन हुआ तो अर्लीस्ट ऑफ द ड्यू डेट, कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हमेशा ध्यान रखना इस तरह का अपन का फॉर्मेट रहेगा, जिसमें अपन डेट ऑफ ट्रांजेक्शन दिखाएगा कौन सा डेट में हुआ है, उस ट्रांजेक्शन डेट का ड्यू डेट ले लेगा। अब जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन है सेल परचेज का, तो उसका ड्यू डेट क्या लेंगे, ट्रांजेक्शन डेट इटसेल्फ विल बी द ड्यू डेट, ये ध्यान रखना। इफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा तब हम लोग को क्या करना है, नंबर ऑफ मंथ्स ऐड करके या नंबर ऑफ डेज ऐड करके 3 days ग्रेस पीरियड प्लस करेगा। बट यदि नॉर्मल सिनेरियो है देन योर ट्रांजेक्शन डेट इटसेल्फ बिकम्स योर ड्यू डेट। सपोज सेल किया 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल ही तुम्हारा ड्यू डेट हो जाएगा, यदि नंबर ऑफ डेज क्वेश्चन नहीं बता रखा कि कितना दिन का तुमने क्रेडिट दिया है सामने वाले को। लेकिन बिल्स के केस में हम लोग 3 days तो ऐड करेगा ही करेगा, और उसमें ड्यूरेशन लिखा हुआ रहता है कि 1 महीना 2 महीना या 3 महीना कितना महीने के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने बनाया है, तो वो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। So this is my column A, this is my column B, this is my column C, और ये मेरा column D. Product कैसे निकलेगा? E is equals to C into D. सारा पॉइंट्स को गो थ्रू करना और देखना कि समझ में आया या नहीं आया, फिर अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लो। इससे इजी चैप्टर हो ही नहीं सकता आपके सिलेबस में। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑफ योर इंस्टीट्यूट मॉड्यूल, द फॉलोइंग आर द अमाउंट्स ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स इन बिटवीन द सेम पार्टी, एक पार्टी के साथ में। एक है अपन को 3 जुलाई को पेमेंट करना है, एक है 2 अगस्त और एक है 11th of September. Suggest a date on which all the bills may be paid out without any loss of interest to either party. मतलब क्वेश्चन निकालना क्या चाहता है? Suggest a date का मतलब एवरेज ड्यू डेट आप निकाल के बताओ। अब एवरेज ड्यू डेट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, बेस डेट अज्यूम करना होता है, राइट? यहां पे अपन क्या करेगा, अज्यूम बेस डेट टू बी, क्या बेस डेट लेगा, मैंने बोला 2 चीज, या तो अर्लीएस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन और अर्लीएस्ट ऑफ द ड्यू डेट, यहां पे ड्यू डेट दिया हुआ है तो उसका अर्लीएस्ट सबसे पहला डेट कौन सा आ रहा है, 3rd July, इसको हमने बेस डेट मान लिया, राइट? अब अमाउंट दे रखा है, डेट दे रखा है, तो नंबर ऑफ डेज निकाल पाएगा अपन, बेस डेट से 3rd July क्या होगा, पहला वाला ट्रांजेक्शन का तो 0 होगा ना, अरे 3rd July से 3rd July, और हमने बोला था एक्सक्लूड दी फर्स्ट डेट इंक्लूड दी लास्ट डेट, तो 3rd July तो एक्सक्लूड ही करना है, तो यहां पे नंबर ऑफ डेज कितना हो गया, 0। इफ आपको 2nd of August को
पेमेंट करना है तो 3 जुलाई से 2nd of August कितना नंबर ऑफ डेज होता है? जुलाई में कितना दिन होता है? 31 डेज होता है जुलाई में. 31 में से 3rd July तक तो काउंट नहीं करना, तो 31 minus 3 July का कितना हो गया? 28 डेज. ठीक है, अगस्त का कितना दिन लेंगे? 2 दिन. अगस्त का तो 2 ही दिन लेंगे ना, तो 28 plus 2 30 days. 30 days आ गया. आया समझ में? देन 11 सितंबर तक, 3rd July से 11 सितंबर कितना दिन होगा? 78. ए भाई, जुलाई में 31 होता है, जुलाई का हम लोग कितना दिन लेगा? 28. अगस्त का कितना दिन लेगा अपन? 31. सितंबर का 11. 70 डेज. पूरा कैलेंडर ही ये, और कुछ भी नहीं इस चैप्टर के अंदर में. 70 दिन आ गया. जुलाई और अगस्त दोनों 31 होता है. जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई वापस यहीं से दूसरा हाथ से शुरू करता है, तो जुलाई और अगस्त दोनों 31 डेज होता है. क्लियर है यहां तक? तो मेरा अब क्या करना है? प्रोडक्ट, पहला वाला प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आएगा? निल. समथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज ऑलवेज जीरो. नेक्स्ट 800 into 30 20 4000. नेक्स्ट 1000 into 70 70,000. तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आ गया? 94,000. क्लियर है? अब हमने कैसे सीखा? एवरेज ड्यू डेट वहां लिखा था कि बेस डेट. बेस डेट क्या है? 3rd July. वहां से आगे ही जाएगा क्योंकि हमने अर्लीएस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन लिया है. प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल कितना रुपए था? 2300. टोटल वैल्यू कितना है? 2300. कितना आ रहा है? 94,000 डिवाइडेड बाय 2300, 40.86. दैट इज 41 डेज अप्रोक्स. इसको सॉल्व करने से 40.86 आ रहा है, मतलब 41 डेज आगे जाना पड़ेगा. 3rd July से 41 डेज आगे जाओगे तो आपका ड्यू डेट क्या आएगा? निकाल पाओगे ना? अरे कैलेंडर है खाली. जुलाई में कितना दिन रह गया? 28 दिन. तो 31 जुलाई तक तो 28 दिन चला गया. 41 में से 28 दिन तो काउंट कर लिया हमने जुलाई का. अब 13 दिन और बचा, तो अगस्त का 13 दिन. तो 13th of August इज द एवरेज ड्यू डेट. इस दिन यदि आपको सारा का सारा पैसा मिल जाता है, देन नो लॉस टू द इधर पार्टी. इस दिन के बाद मिलेगा तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और इस दिन से पहले हुआ तो रिबेट. क्लियर है? समझ में आया? लेबर वाला चैप्टर अच्छा लगा? लेबर है और कुछ भी नहीं है. क्या चीज है? वही वाले अच्छे क्वेश्चन है. वही वाले अच्छे क्वेश्चन है. ये कोई क्वेश्चन है क्या? एग्जाम में आते हैं ऐसे लगता है कि ये सब क्या है. कोई शक, कोई दुख, दर्द, दुविधा, पीड़ा, कष्ट, हानि? हम्म,
पहला वाला हम हमेशा तुम लोग के लिए कैलकुलेट कर देगा, तुम लोग को बहुत मेहनत लगता है तो ये हम हमेशा कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। बाकी ट्रांजेक्शन तुम लोग कर पाएगा, इजी वाला, टफ वाला हम कैलकुलेट करके बता देगा, ये वाला। सपोर्ट कर रहे हम, बट कोई बात नहीं, नेवर माइंड, हम हम्बल है बहुत, एहसान रख लेना, ये चुकाना मत। ये हो गया सबका, अभी क्वेश्चन देखना। द फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू एक्स बाय वाई, वाई वांट्स टू पे ऑफ ऑन 18th ऑफ मार्च, पहला तो ये बोल रहा है कंडीशन। दूसरा केस बोल रहा है y 14 जुलाई को पे करना चाहता है, इंटरेस्ट रेट है 8% पर एनम। बताओ कि y ए कंडीशन यदि फॉलो करेगा, ए वाला जो केस है यदि वो फॉलो करेगा, तो उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा या बचेगा, उसका कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा इफ उसको 18th ऑफ मार्च को पे करना है सारा का सारा पैसा, एंड इफ वो सारा पैसा 14th ऑफ जुलाई को पे किया तो उसको टोटल कितना पे करना पड़ेगा। क्लियर है? क्वेश्चन में डायरेक्ट ड्यू डेट दे ही दिया तो हमारे लिए अच्छी बात है, निकालना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ट्रांजेक्शन डेट ही मेरा ड्यू डेट था, 10th जनवरी है तो यही ड्यू डेट रहेगा। पहले तो ये बताओ बेस डेट क्या अज्यूम करोगे, अज्यूम बेस डेट टू बी 10th जनवरी अर्लीएस्ट ऑफ द ड्यू डेट, जो सबसे पहले ड्यू डेट आ रहा है उसको अपन बेस डेट मान लेगा। क्लियर है? तो बेस डेट से नंबर ऑफ डेज, पहला वाला मैं बताएगा जीरो होगा, सेकंड वाले में गलती क्या करोगे आप, ड्यू डेट लोगे 26 जनवरी और ये 26 नहीं लेना। अरे भारत में पैदा हुआ निकाल देगा हम अभी का अभी, एनआरसी में नाम नहीं है सर। यस, इसका ड्यू डेट क्या होगा, 25 जनवरी। इफ आप इंडियन हो तो आपको पता होना चाहिए 26 जनवरी को क्या होता है। 25 जनवरी डायरेक्ट 25 जनवरी लिख दो, यो 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 हनी सिंह, क्या चीज, एक दिन पहले, संडे है तो एक दिन पहले, बाद में नहीं। अरे संडे इज नॉट एन अनकंडीशनल, अनकंडीशनल, अरे भाई ये तो पूरी दुनिया को पता है, दुनिया मतलब एज ए इंडियन हमें पता है कि कौन सा दिन महीना में संडे गिर रहा है। पहले से आपको पता था कि कल संडे है, अब आप बहाना मार रहा है पेमेंट करने का, अरे भैया आज तो संडे आ गया, बैंक तो बंद है, पैसा कैसे भेजे। कल नहीं पता था क्या, पता था ना कि कल संडे है, तो हमेशा क्या होगा, जब संडे है इट मीन इट इज इक्विवेलेंट टू नेशनल हॉलीडे। संडे वाला दिन इंडिया में कोई काम नहीं करता, इंडिया के वर्ल्ड में भी कोई काम नहीं करता होगा, क्या पता कोई कंट्री हो जहां पे संडे काम करवाते हो। हाँ सिर्फ ट्यूशन में ही होता है। हाँ ईयर नहीं दिया तो लीप ईयर नहीं लेगा, फिर अजम्पशन है, नोट डालना पड़ेगा। लेकिन अज्यूम नोट कैसे डालोगे बता दूं, पहले तो यहाँ ध्यान रखना इसका ड्यू डेट क्या होगा, 17th अगस्त होगा। अब यहाँ पे ईयर तो नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो आप अजम्पशन लिख सकता है कि अज्यूम ईयर टू बी 366 डेज या फिर 365 डेज, आपका मर्जी। और कभी कभी तो अकाउंट करेंट में मैं आपको सिखाऊंगा कि अपन ईयर पकड़ लेगा 360 दिन का, डेसिमल से बचने के लिए ईयर ही पकड़ लेगा 360 डेज का। यहाँ पे कुछ नहीं बोला तो नॉर्मल पकड़ो कि लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो बताओ पहला केस में 25 जनवरी वाला में ड्यू डेट में नंबर ऑफ डेज कितना आएगा, 10 जनवरी से 25 जनवरी, 10 को तो काउंट नहीं करना, बाकी बचा 15 डेज, 10th ऑफ जनवरी से 23rd ऑफ मार्च कितना 72, और 10th ऑफ जनवरी से 17th ऑफ अगस्त 200। ये ध्यान रखना, जो दूसरा आंसर बोल दिया है उसके बेसिस पे मत रहना, खुद कैलकुलेट करना,
जरूरत नहीं है, क्यों इतना करना, कैलकुलेटर है हमारे पास। खुद के सेफर साइड के लिए दिखा दिया, लेकिन एग्जाम में ऐसा कोई जरूरत नहीं इतना टाइम वेस्ट करने का। सीधा कैलकुलेटर में निकालेंगे कि जनवरी 31 का होता है, उसमें से 10 दिन तो गया, तो जनवरी का 21, फेब का 28, मार्च का 31, अप्रैल का 30, जून का 30, मई का 30, फिर जून का आ जाएगा, फिर जुलाई आ जाएगा, ऐसे करते करते नहीं हुआ क्या? देखो लास्ट वाला देखता है, जनवरी का अपन लेगा कितना दिन लेगा, जैन का 21, ठीक है, फेब का कितना लेगा 28, मार्च का, अप्रैल, मई, जून 30 का, जुलाई, अगस्त 17। इसको टोटल करोगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। क्या लेबर वाला काम, एक महीना का डे इधर से उधर लिया तो सारा आंसर हिल जाएगा, ये ध्यान रखना। फुल फोकस के साथ कैलेंडर याद करके जाना किस महीना में कितना दिन होता है, बचपन में इतना तो सीखा ही होगा। तो अब प्रोडक्ट निकाल लेने का, प्रोडक्ट किया, पहले वाले का प्रोडक्ट जीरो होगा, हम बता दिए, बाकी तुम लोग निकाल लो। अब तो कैलकुलेटर है, अब क्या टेंशन है, तो यही चैप्टर तुम्हारा 11 12 में होता है। पहले तो एवरेज ड्यू डेट निकालो, वहां तक रुको, फिर अपन डिस्कस करते हैं। देखो कैलकुलेशन अभी हम बता, आप लोगों का ऐसा कुछ आ रहा है 130.235 डेज, ये आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले मेरे को बताना। सबका ये वाला टेबल बन गया क्या, 11,07,000 रुपए का प्रोडक्ट आ गया, 11,07,000 का प्रोडक्ट आया। यहां तक किसी को डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है। वो हेल्प हो गया ना, तब टाइम बच गया तुम्हारा, वरना तुम कर रहा होता अभी कैलकुलेटर में, वो सोचता कैलकुलेटर में आंसर गलत आ रहा है क्या, 500 × 0 फिर जीरो क्यों आ रहा है ना। अरे हम बहुत हम्बल है, ये सब समाज सेवा करना मेरा फर्ज है, पसंद भी है, बचपन से हम चाहता था ऐसा सेवा हम करें। अब देखो 131 डेज है ना, 130 में जाने का, उससे माइनस करना अपने को, 131 डेज तक जाना है अपने को। अपन 10 जनवरी में है, 31 माइनस 10, जनवरी का 21 दिन बाकी है, तो 21 दिन जनवरी का ले लिया। अब 131 कैलकुलेटर में लिखा, माइनस 21 जनवरी का माइनस कर दिया, अभी और 110 दिन जाना है। फेब का 28 डेज पूरा का पूरा कंसिडर कर सकता है, तो माइनस 28 फेब भी गया, अब बच गया 82 डेज, तो मार्च भी पूरा कंसिडर कर सकता है, तो माइनस 31 मार्च भी गया, अब बचा 51 डेज, अप्रैल भी पूरा कवर हो जाएगा, तो अप्रैल का कितना 30 डेज, ठीक है, बचा कितना 21 दिन, अब मई तो पूरा कवर हो नहीं रहा है, 21 मई इज द आंसर। कैसे भी करो, ठीक है, उस तरीके से यहां तक निकल गया तो मेरे को बताना 21 मई तक सबका लेबर वर्क हो चुका है, तो अब थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। एंड कैलकुलेशन सेल्फ ही करना है, कॉपी पेस्ट नहीं मारना अपने को,
21 मई कैसे, अभी वही तो बताया। देखो आप 10th जनवरी में हो राइट, टोटल 131 डेज कवर करना है अपने को। जनवरी का कितना दिन ले सकता है अपन? 21 डेज और ले सकता है, क्योंकि 10 जनवरी में तो है ही हम लोग, और जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो 10 दिन तो गया बेस डेट, तो वी विल कंसीडर 21 डेज ऑफ जनवरी। तो 131 में से 21 गया तो कितना बच गया? 110 डेज जैन कवर्ड। अब फेब, पूरा फेब महीना भी चला जाएगा, माइनस 28 तो कितना बच जाएगा? अब मार्च में आए, मार्च का भी पूरा कवर हो जाएगा, तो माइनस 31, अप्रैल भी पूरा कवर हो जाएगा, माइनस 30 21, तो मई तो पूरा कवर होगा नहीं, सो 21st मई इज द आंसर। क्लियर है ये चीज? अब देखो क्वेश्चन क्या बोला था, केस वन एंड केस टू। केस वन में बोला यदि वो 18th ऑफ मार्च को पेमेंट करे, अपना ड्यू डेट क्या है? 21st मई इज अवर ड्यू डेट। 18th मार्च पहले आएगा या बाद में आएगा? 18 मार्च को वो पेमेंट कर दे, तो वो कितना दिन पहले पेमेंट कर रहा है आपको? 18th ऑफ मार्च को पे कर देगा अपने को, तो 18th ऑफ मार्च से 21st डे कितना दिन होता है? मार्च में 31 डेज होता है, 31 माइनस 18 13 दिन, अप्रैल का और मई का 21, तो कितना हो गया? यानी वो 64 डेज पहले पेमेंट कर रहा है। टोटल पेमेंट कितना कर रहा है वो? 8500। तो 64 डेज यदि वो पहले पेमेंट करेगा तो हम लोग उसको क्या करेगा, 64 डेज का इंटरेस्ट का रिबेट देगा। 8500 पे यदि हम लोग को रिबेट वैल्यू कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 8%, 64 डिवाइडेड बाई 365, तो कितने का इंटरेस्ट का रिबेट आ जाएगा? 19.3, दैट इज 119 अप्रोक्स। अबे डेसिमल पैसा लाएगा कहां से? पेमेंट तो उसी हिसाब से करेगा। अब वो इंस्टीट्यूट लिख दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है, हम लोग तो पेमेंट 119 रुपए का फायदा होगा क्या चीज? हाँ, हम लोग को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा रिबेट। तो यहाँ पे जो सामने वाला पार्टी है, हम लोग उसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हैं ना, अमाउंट टू बी पेड, तो वाई को कितना पेमेंट करना पड़ेगा केस ए में? 8500 टोटल, और रिबेट मिल जाएगा उसको कितना? 119, तो उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 8381 119.23 था ना, तो हम उसको ज्यादा रिबेट काहे मिलेगा? वहां रुपीस के केस में तो वही आएगा 0.5 ऊपर या नीचे। अरे वो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें पूरा मार्क्स मिलेगा। हाँ, रुपीस के केस में, बट डेज के केस में नहीं होता है, क्योंकि डेज में पॉइंट आने का मतलब है हम अगला दिन पहुंच चुका है, मिनट्स में आ चुका है। हाँ नहीं, हाँ केस बी, 21st मई का ड्यू डेट है और वो पेमेंट कर रहा है 14 जुलाई को, तो लेट पेमेंट कर रहा है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना दिन का? 21st मई तो काउंट नहीं करेगा, मई में कितना दिन होता है? 10 दिन रह गया मई का,
जून का 30 और जुलाई का 14, तो 54 डेज का उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्योंकि वो लेट कर रहा है ना, ड्यू डेट था 21 मई और वो पेमेंट कर रहा है 14 जुलाई को, दैट मींस ही विल हैव टू मेक अ पेमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। 21 मई को मेरे को पैसा चुका देता तो मैं 1 रुपये उससे एक्स्ट्रा नहीं लेता, वो 54 डेज का डिले कर रहा है तो अब छोड़ेगा थोड़ी ना, 54 डेज का इंटरेस्ट लेगा। 8500 पे 8% का रेट है, 54 डेज के लिए कितना इंटरेस्ट बनेगा? 100.60, यानी 101 रुपए का ब्याज लेगा हम लोग उससे। तो 8500 प्लस 101, टोटल पेमेंट वाई को कितना करना पड़ जाएगा? 8601, 8601। क्लियर है? मगज मत ही गई। हाँ तो एक दिन का ब्याज बचेगा उसका। नहीं मतलब एक दिन पहले कर दिया हो, जैसे इसमें है ना 20/365, तो 1/365 एक दिन का इंटरेस्ट, एक दिन का इंटरेस्ट पूरा साल भर का इंटरेस्ट दे देगा उसको। तो इंसान तुमको एक दिन पहले देगा तो तुम एक दिन का ही तो रिबेट देगा उसको। हाँ अरे सब जगह अप्रोक्स लगता है। तो बोलेंगे एक्चुअली तो मैं 10 दिन बाद में तो दस तरीका समझ में आया? हाँ किसी को भी डाउट है तो पूछ सकता है। क्लियर छे? कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, वो क्लियर है? हर चीज मैटर करेगा एग्जाम हॉल में। ये जो रेड वाला पार्ट जो मैंने किया ये जरूरत नहीं है कोई, ये जो समझाने के लिए था तुम लोग को, लेकिन बाकी आप प्रेजेंटेशन यदि ऐसे करके आएंगे तो पूरा मार्क्स है। ये जो बीआरएस लेजर का जो टूट जाता है वो एक पेज से दूसरा पेज में, तो उसमें पहले नहीं कुछ कंटिन्यू नहीं करना, जैसे है बस वैसे ही कंटिन्यू करो। क्लियर है? एग्जाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना कि नॉर्मल ट्रांजेक्शन पे क्वेश्चन आया या बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आया। अब यहाँ पे देखो क्या है, मतलब ये क्वेश्चन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है। बेस डेट पकड़ने से पहले आपको इन ट्रांजेक्शन का ये ड्यू डेट निकालना पड़ेगा। और कितना भला मानूस है क्वेश्चन, नीचे लिख दिया 28 दिन है, मतलब लीप ईयर नहीं है। आपको ईयर कितना डेज का मानना है? 365 डेज ही मानना है। क्लियर है? आपको जस्ट एवरेज ड्यू डेट निकालना है। तो सबसे पहले ड्यू डेट निकालना सीखो। अगस्त 10 को एक बिल है जिसका ड्यूरेशन टर्म है 3 मंथ्स, तो बताओ इसका ड्यू डेट क्या होगा? अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, 10th नवंबर नॉर्मल 3 महीना खत्म हुआ है, बट सिंस इट इज अ केस ऑफ अ बिल तो 3 दिन ऐड होगा, तो कितना आ जाएगा? 13th ऑफ नवंबर 2019। लेकिन क्वेश्चन कितना गंदा है, सारा 2020 का डेटा भी दे दिया और बोलता है अज्यूम करो ईयर फरवरी को 28 दिन, वरना तो अपन क्या लेता? इफ 2020 है
यहाँ जनवरी 2020 लिखा है, मतलब फेब 2020 में आता होगा, 2020 इज ए लीप ईयर, तो वहां पे अपन फेब लेता 29 डेज का, वो तो क्वेश्चन बोल दिया इसलिए 28 दिन ले रहा है, वरना एग्जाम में ध्यान रखना कितना लेना है, 29 डेज। यहीं पे मिस्टेक होता है, छोटी छोटी मिस्टेक इस चैप्टर में, सिली मिस्टेक्स। नहीं क्या इसके लिए उसके लिए फैब है कहाँ ऊपर, तो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अपना, 1 अप्रैल से 31 मार्च चल रहा है, होता है ना। अच्छा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो अक्टूबर 22, 2019 है, उसका ड्यू डेट क्या होगा? कैसे मान लिया? When it is days, you have to count actual days. नहीं, अक्टूबर में 22 दिन जा चुका है, अक्टूबर का कितना दिन होता है, 31 में से 22 गया तो कितना बचा, 9 दिन अक्टूबर का, दिसंबर का कितना लेगा, नवंबर का कितना, 30, 39 डेज जा चुका, और कितना चाहिए, दिसंबर का 21 दिन, ये तो हो गया दिसंबर का 21, लेकिन 3 दिन ग्रेस ऐड करना पड़ेगा ना। देखो मेरी बात सुनो, अक्टूबर का 9 दिन, नवंबर का पूरा 30 और दिसंबर का 21, ये मिला के 60 डेज हो गया, लेकिन बिल्स के केस में तो 3 दिन ग्रेस पीरियड होता है, तो 22, 23, 24, तो 24th ऑफ दिसंबर 2019 will be the due date for second number of bill. कोई doubt? Next वाले का due date क्या होगा? 7th Feb 2009. जब मंथ बोलते तो एक्चुअल मंथ, डेज बोलेगा तो ध्यान में रखना है। हाँ ये 2020 हो जाएगा। फिर जनवरी 14, 2020, यहां से 60 डेज। Yes, 18th of March, correct. 15th of March तक तो 60 days खत्म होगा, फिर 16, 17, 18 तीन दिन, तो 18 हाँ, 15 plus 3 क्या चीज, 18 मार्च आ रहे, हाँ कैसे किया, जनवरी में 31 days होता है, उसका 14 तो जा चुका, 17 दिन जनवरी का, फेब का 28 days, तो 45 दिन जा चुका, मार्च का और कितना दिन लेगा, 15 दिन, तो तुम्हारा 60 दिन पूरा हो गया, अब 3 दिन ग्रेस ऐड कर देगा, 16, 17, 18, क्लियर है। अब नेक्स्ट वाले का ड्यू डेट क्या होगा, 17th मई, अब ड्यू डेट निकल गया, बेस डेट क्या करेंगे, बेस डेट टू बी अर्लीएस्ट ऑफ द ड्यू डेट ले लें, अर्लीएस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन डेट भी ले सकते थे आप, उससे भी आंसर करेक्ट आता, बट नॉर्मली गो फॉर द अर्लीएस्ट ऑफ द ड्यू डेट, तो हमने बेस डेट अज्यूम कर लिया 13th of November। तो जैसे कि मैंने तुम लोगों से वादा किया था, पहला वाला मैं बता दूंगा नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट, 13 नवंबर से 13 नवंबर जीरो होगा,
13th ऑफ नवंबर से 24th ऑफ दिसंबर कितना डेज होगा? नवंबर 30 दिन का होता है, 30 में से 13 गया, 17 दिन नवंबर का प्लस 24 दिन दिसंबर का, 41. नेक्स्ट कैलकुलेट करो. आज तुम बिना हथियार के आया ना, अगला क्लास से हथियार लेके आना वरना डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी में आ जाएगा सीए में. कितना? आई डोंट नो, आप लोग कैलकुलेट करो. कितना? 86. तुम तो अलग ही दुनिया में जा रहे हो. 86. क्यों हम 17 दिन पहले ले रहे इसका नवंबर का, फिर 31 दिन ले रहे दिसंबर का. नवंबर दिसंबर 28 को लेगा. 7 फरवरी तो ड्यू डेट ही है. 7 फरवरी तो ड्यू डेट ही है. नंबर ऑफ डेज कैसे निकालता है? बेस डेट से लेके ड्यू डेट तक, तो 86 आएगा. फिर 125 and 185 एकदम करेक्ट. अब प्रोडक्ट निकाल लो. प्रोडक्ट निकाल के आप प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय अमाउंट करोगे तो आपका एवरेज ड्यू डेट आ जाएगा. निकालना होगा, कैलकुलेट करना सबको, ऐसे ही कुछ नहीं करना. अब देखो पहला कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन तो हो गया. एक कैटेगरी क्या है जहां पे इंटर ट्रांजेक्शन हो रहा है, अपन गुड्स सेल भी कर रहा है और अपन गुड्स बाय भी कर रहा है. जैसे कि यहाँ पे देखो, टू ट्रेडर्स एक्स एंड वाई बाय गुड्स फ्रॉम वन अनदर, इच अलाउिंग द वन मंथ क्रेडिट, इच अलाउिंग वन मंथ क्रेडिट एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ द अकाउंट्स रेंडर्ड आर एज फॉलोज. 3 महीना बाद पता चला कि एक्स ने वाई को सेल किया था इस डेट पे. गुड सोल्ड बाई एक्स टू वाई, एक्स ने सेल किया वाई को, और गुड सोल्ड बाई वाई टू एक्स, और वाई ने सेल किया था इस डेट में. क्लियर है? कैलकुलेट द डेट अपॉन विच द बैलेंस शुड बी पेड सो दैट नो इंटरेस्ट इज ड्यू इधर टू एक्स और इधर टू वाई. तो आपको पहले दोनों का सेपरेटली प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेपरेटली प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा. जैसे कि पहले मान लेता है यहां पे किसको पेमेंट करना है, वाई को पेमेंट करना है ना, तो हम लोग वाई के लिए निकाल लेता है कि टोटल प्रोडक्ट कितना पे करना है. तो मुझे ये बताओ सबसे पहले ड्यू डेट्स क्या लेगा अपन 21 में, बाकी लोग. अच्छा, वन मंथ क्रेडिट है ना, तब आपका वो होगा 18 में, उसमें 3 डेज प्लस नहीं होगा ना क्रेडिट टाइम पे, आपका भाई बिल का टाइम क्या होगा क्रेडिट. हां 18 में. Yes, ये ध्यान रखना एग्जाम में. क्या ये क्वेश्चन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है क्या? नहीं, नॉर्मल सेल्स परचेज का क्वेश्चन है जहां पे क्या बोल रहा है कि वन मंथ का क्रेडिट डेज है. तो 18 अप्रैल को सेल किया तो कब तक पेमेंट आ जाना चाहिए? 18th में, 15th मई को किया तो 15th, और 17 जून को किया तो 17 जुलाई. और ये तो हो गया फॉर वाइज पेमेंट, इधर वाई को चुकाना है ना, वाई ने खरीदा है. क्लियर? अब थम जाना भाई, थम जाना, करने मत लग जाना. ड्यू डेट तक ही समझाया, बेस डेट लेना नहीं सिखाया. जब इंटर ट्रांजेक्शन होता था अभी धर 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 कर दोगे, क्या करोगे, अज्यूम बेस डेट टू बी 18th ऑफ मे, है ना, एंड शुरू कर दोगे. ऐसे नहीं होता है. इंटर ट्रांजेक्शन का मतलब दोनों का जो ड्यू डेट से उसमें से जो अर्लीएस्ट होता है. बेस डेट हमेशा एक कॉमन होता है, अलग अलग बेस डेट आप नहीं ले सकता, ये ध्यान रखना. अब ये तो हो गया फॉर वाइज पेमेंट, और ये होगा फॉर
एक्स का पेमेंट, एक्स को कब कब पेमेंट करना है? 23rd May एंड 24th June, राइट? अब देखो दोनों का कॉमन अर्लीस्ट ऑफ द ड्यू डेट क्या है? 18/5. अब गलती क्या होता है पता है? उधर तो वाई के लिए 18th May पकड़ लोगे, और जब एक्स का प्रोडक्ट निकालना होगा तो आप क्या पकड़ लोगे पता है? 23rd May. एंड देन फिर फंस गए क्वेश्चन में कि अब क्या करना है. दोनों का अलग अलग बेस डेट ले लिया, तो जब दोनों इंटर ट्रांजेक्शन होता है तो बेस डेट तो एक ही होगा. जो आप एक्स के लिए लोगे वही वाई के लिए लोगे, और जो वाई के लिए लिया है वही आपको एक्स के लिए लेना था. क्लियर है? तो हमेशा क्या करोगे, दोनों का अलग से ड्यू डेट निकाल लोगे, एंड देन जो कॉमन अर्लीस्ट ऑफ द ड्यू डेट है वो लेंगे. तो अज्यूम बेस डेट टू बी 18th of May. समझ में आया? क्लियर है? एंड देन नॉर्मल है प्रोडक्ट तक, तो देन नॉर्मल है. यस, जो अर्लीस्ट होगा वही लेगा. तो बेस डेट आप सबसे पहले ऊपर लिख देगा कि जो अज्यूम कर रहा है, एंड कोई भी मिस्टेक कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है. कैलकुलेशन सेल्फ करना, बिकॉज अभी आपने छाप भी लिया तो एग्जाम में कौन मदद करेगा. नहीं, एंसर्स तो जरूरी नहीं है. लिखते हो तो लिख दो, नहीं लिखोगे तो तुम गलत कैलकुलेट करता है. इसलिए 18 मई में 31 दिन होता है, मई में 31 होता है, इसलिए आता है. काम कर ले कर रहा अभी हम लोग ये 6760 माइनस 2000 में 110. तुम लोग को हम कहां बोला कि अलग अलग एवरेज ड्यू डेट निकालना है? अरे भाई क्वेश्चन एक है, ड्यू डेट तो एक ही निकलेगा. इंटर ट्रांजेक्शन के लिए हमने एक पॉइंट लिखा था, अब उसका रेलिवेंस है. यहां तक कर लिया, यहां तक हो गया क्या? इंटर ट्रांजेक्शन के लिए एक पॉइंट था, पॉइंट नंबर 8 था शायद वो. वहां पे क्या करना था? डिफरेंस इन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन अमाउंट, तब जाके तुम्हारा एवरेज ड्यू डेट आएगा. नहीं, इसको तुम उसमें ले रहे, 43.0 है, मतलब सेकंड्स में ही आगे बढ़ा है. 43.61 नहीं, 43.0 जीरो समथिंग आ रहा होगा. 4650 होगा ना प्रोडक्ट है तुम्हारा 6760, इसका माइनस 2110. ठीक है, जब डेज ऐसे पॉइंट में आ गए ना, पॉइंट जीरो मतलब सेकंड्स ही है, तब वो हम लोग प्रीवियस ही लेगा. एक्चुअल में पॉइंट वन टू ऐसा कुछ होगा तब अपन नेक्स्ट डे में जाएगा. यहां तक प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है? एक्स का अलग से निकाला, वाई से अलग, वाई का अलग से निकालोगे,
लेकिन ये ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं, आपका बेस डेट कॉमन होना पड़ेगा। अर्लीएस्ट ऑफ द ड्यू डेट जो होगा वो आप बेस डेट लोगे दोनों के लिए। Y has to pay 2x108 ना? Y has to pay 2x108। हाँ यहाँ तक हो गया सबका। अब देखो क्या है, 210 रुपए वाई को पेमेंट करना है और 102 रुपए वाई को लेना है एक्स से, तो वो क्या करेगा, नेट अमाउंट पे करेगा। नेट कितना पे करेगा, 108 रुपए। तो वैसे ही प्रोडक्ट भी नेट लेगा, हम लोग दोनों का जो डिफरेंस है वो नेट ले लेगा। तो डिफरेंस इन अमाउंट और डिफरेंस इन प्रोडक्ट निकल जाएगा तुम्हारा। तो बेस डेट कैसे निकालेगा, एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालेगा, बेस डेट प्लस डिफरेंस इन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन अमाउंट। क्लियर है? तो आपका आ जाएगा 30th ऑफ जून टू बी द एवरेज ड्यू डेट। समझ में आया या नहीं आया? If समझ में आया देन इलस्ट्रेशन नंबर 6 सेल्फ करके बताओ, सेम बेसलाइन पे। हाँ हाँ बता देता हूँ, पहले ये कर लो, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो मेरे से। मैंने 43.05 को 43 डेज क्यों लिया, क्योंकि 0.0 तक चला गया ना, तो हमने नॉर्मल डेज ही पकड़ा। यही तुम्हारा 43.1 या 43.2 होता तो हम लोग 44 डेज लेता। थैंक यू, समझ में आया? देखो यहाँ हमने एक पॉइंट लिखा था, नोट्स जब लिख रहे थे, जब इंटर ट्रांजेक्शन होता तो क्या करते हैं, बेस डेट प्लस डिफरेंस इन प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन अमाउंट। तो यहां पे अपन वही कर रहे हैं, डिफरेंस इन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन अमाउंट। क्लियर है? किसी को डाउट? इजी है चैप्टर, बट स्टिल एग्जाम में सिली मिस्टेक हो जाता है। क्लियर है? ऑल क्लियर ना? क्लियर। तो 30 तारीख है रात के ना? 30 जून। अब 30 तो माइनस तो बहुत 30 ही गया। 30 में तो माइनस 30 ही गया। 30 आ रहा है। 13 क्यों माइनस करेगा? मई तो 30 दिन का होता है। कितने दिन का? क्या? हाँ, मई 31 डेज का होता है। हाँ, तो 13 दिन 30 जून पूरा 30 जून आया तो 30 ही लेंगे ना। सबसे करने से ही कॉन्फिडेंस आएगा। सेल्फ कर लो रे, डिस्कशन मत करो, कोई फायदा नहीं है। गलती करो अच्छा बात है। हो गया ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 सेल्फ करने दिया मैंने। नंबर 6 में तुम लोग को बेस डेट अज्यूम करना चाहिए 12th ऑफ जुलाई। इफ किसी ने 12th ऑफ जुलाई को छोड़ के दूसरा बेस डेट लिया तो फंस जाएगा, फिर वो प्लस माइनस का फंडा में फंस जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, बेस डेट हमेशा अर्लीएस्ट ऑफ द ड्यू डेट होता है। तो यहाँ पे दो चीज है, एक पर्सन बिल्स रिसीवेबल है हमारे पास, यानी पैसा आना है, और एक तरफ बिल्स पेबल है, मतलब हम लोग को पे करना है। इसको इंटर ट्रांजेक्शन बोलता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेगा, जो मेरा बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल है उसका ड्यू डेट कैलकुलेट करेगा। ड्यू डेट में ध्यान रखना 3 दिन का ग्रेस डेज एड होता है,
और वो ऐड करने के बाद यदि नेशनल हॉलीडे है तो एक दिन पहले होगा और इमरजेंसी हॉलीडे है तो एक दिन बाद में होगा। क्लियर है ये वाला चीज। देन ड्यू डेट निकालने के बाद पता चला कि अर्लीएस्ट ऑफ द ड्यू डेट आ रहा है 12th of July, 12 जुलाई सबसे पहले, तो इसी को आप बेस डेट लेना। और बेस डेट कॉमन होता है इंटर ट्रांजेक्शन में, अलग अलग नहीं होता है। उसके बेसिस पे अपन क्या करेगा, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेगा एंड प्रोडक्ट निकाल देगा। क्लियर है? 15th of August इज अ ड्यू डेट बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए, तो ड्यू डेट ही तो निकालते हैं सबसे पहले। 15 अगस्त को तो तुम्हारा नेशनल हॉलीडे है, तो अपन 14th अगस्त दिलेगा ड्यू डेट। नहीं लिखना ही 14th अगस्त होगा, वरना वहां पे भी मार्क्स कट जाएगा। इसमें किसी को डाउट? इस पहला वाला पार्ट में एकदम करेक्ट है सबका। जून जुलाई अगस्त कैसे, 2 महीना है उसमें, तो 29th May से 29 जुलाई, और जुलाई 31st का होता है, तो 30, 31st और 1, 1st अगस्त हो जाएगा तुम्हारा, 30 सितंबर हो गया। आप क्या करेगा, एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालेगा, डिफरेंस इन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन अमाउंट, डिफरेंस इन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन अमाउंट, तो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल का जो प्रोडक्ट है उसका डिफरेंस लेंगे एंड सिमिलरली अमाउंट का डिफरेंस लेंगे, तो आपका एवरेज ड्यू डेट आ जाएगा, दैट इज 30th September, बेस डेट है 12 जुलाई, वहां से 80 दिन अप्रोक्सीमेटली अपने को एड करना है, तो इट विल बी 30th of September विल बी योर एवरेज ड्यू डेट। किसी को कोई डाउट, कंफ्यूजन? इजी चैप्टर है, बस एक दो क्वेश्चन और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन रह गया, और एक इंस्टॉलमेंट के टाइम में आपको क्या करना है, एंड कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चन अपन कर लेगा प्रैक्टिस नेक्स्ट सेशन में, उस एवरेज ड्यू डेट कल अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतना सा ये छोटा सा है, जाके प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना, नोट पे फोकस करना है इसका, सिली मिस्टेक्स होते। निकालना सीखा है और उसके अंदर अपन लेजर अकाउंट बनाना सीखेगा। क्लियर है? ठीक है फिर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।